नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 28 जनवरी को फिल्म फेयर अवार्ड 69th एडिशन होने वाला है, 28 जनवरी को। और दोस्तों ये अब की बार गुजरात में आयोजित किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर शहर में आयोजित किया जाएगा। गुजरात में एक बड़ा इवेंट होगा, बड़ी घटना होने वाली है, बड़ी मतलब एक सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन इसको कहा जाता है। टाइगर श्रॉफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइगर श्रॉफ के परिवार शायद गुजरात से संबंधित है, दादी वगैरह उनकी गुजरात की थी, तो उनको मौका दिया गया है। तो गुजरात में ये बड़ा फंक्शन होगा। कौन कौन सी फिल्में फिल्म फेयर अवार्ड जीत पाती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है, किस कलाकार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, कौन बेस्ट डायरेक्टर बनता है, कौन बेस्ट म्यूजिशियन बनता है, कौन बेस्ट मेल सिंगर बनता है, फीमेल सिंगर, बहुत सारे अवार्ड्स है। तो नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं फिल्म के दोस्तों, वोटिंग आप कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने। एक्चुअली जिस भी फिल्म को आप लाइक करते हैं, आपके हिसाब से जो भी फिल्म फेवरेट मूवी है आपकी 2023 की, तो आप उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। चाहे आपको गदर 2 अच्छी लगती हो, पठान अच्छी लगती हो, या जवान अच्छी लगती हो, या द केरला स्टोरी, या फिर दोस्तों और गुमर है, बहुत सारी फिल्में हैं जो मतलब पिछले साल आई है, एनिमल है। तो जो भी फिल्म आपको पसंद है, सालार है, जो भी फिल्म, सालार तो शायद साउथ की मूवी है, शायद बॉलीवुड की फिल्मों को दिए जाएंगे अवार्ड। तो जो भी फिल्में आपको पसंद है, मतलब रोके और रानी की, प्रेम खानी, तू झूठी में मक्कार, जितनी भी फिल्में जो आपको लगता है कि ये फिल्म बेस्ट होनी चाहिए, या जो भी आपके फेवरेट हीरो है, फेवरेट सिंगर है, फेवरेट डायरेक्टर है, उन सब के लिए आप वोट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग शुरू हो गई है और इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गदर 2 के मेकर्स ने भी अपील की, अनिल शर्मा सर ने भी एक ट्विटर पर अपील की अपने ट्विटर हैंडल पर कि आप गदर 2 को सपोर्ट करिए, गदर 2 के लिए क्या बोलते हैं उसको वोटिंग करिए कि कौन बेस्ट एक्टर है। सनी देओल सर के लिए उन्होंने कहा है, और साथ में गदर 2 बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट लिरिक्स, तो सबके लिए आप वोट कर सकते हैं। तो आपको अब जो भी आपकी फेवरेट मूवी है उसके लिए आप वोट करिए और अपने फेवरेट स्टार को फिल्म फेयर अवार्ड जिताइए। अब देखते हैं किस कलाकार को ज़्यादा वोट मिलता है और कौन कलाकार ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतता है। तो डेफिनेटली आपका इसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, तो तैयार हो जाइए, देर किस बात की, अपने फेवरेट हीरो को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।